हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे पूछे गए थे। जिस भी ईयर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो उस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स? आर्टिकल 332, आर्टिकल 386, आर्टिकल 368, आर्टिकल 376। आंसर है आर्टिकल 368। ये आर्टिकल कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होगी, और ये स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड इट शुड बी 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मैंने काइंड्स ऑफ मेजोरिटी पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसको जरूर देख। आपके जो डाउट्स है रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गेव प्रायोरिटी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्फोर्सेबल है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट के लिए एक तरह का कंपल्शन है कि वो इनको धीरे धीरे लागू करे, लेकिन जब भी स्टेट इसको लागू करने की कोशिश कर रहा था तो बार बार उसका टकराहट हो रहा था फंडामेंटल राइट्स। इसकी वजह से कई केस आए कोर्ट में। सबसे पहले था चंपकम दोराई राजन केस, फिर गोलकनाथ केस हुआ, और केशव नंदा भारती केस के बाद हमारा फाइनल अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसने ये डिसाइड किया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जब भी लागू करने की कोशिश की जाएगी, एनी लॉ दैट विल इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो इस वजह से कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहे जाएंगे अगर वो फंडामेंटल राइट को इनक्रोच कर रहे हैं। तो ये चीज किस में डिसाइड की गई थी? 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, 1976। 1973 में केशव नंदा भारती केस आया। इसके पहले जो भी केसेस आए उसमें कोर्ट ने हमेशा फंडामेंटल राइट्स को तरजीह दी। केशव नंदा भारती केस में कोर्ट ने ये कहा कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी और फंडामेंटल राइट्स भी। इन सब के कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया जाए ताकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सही सही लागू किया जा सके। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है, आप इसको जरूर डिटेल से पढ़ लें। अगला क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजंस वेयर स्पेसिफाइड? फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, इनको स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इंक्लूड किया गया, और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही इंक्लूड किया गया था अंडर आर्टिकल 51A पार्ट 4A। पार्ट 4 में हमारा फंडामेंटल राइट्स है, अमेंडमेंट करके ये इंसर्ट किया गया पार्ट 4A। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे, और फिर बाद में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया है। कमेंट में मुझे बताइए ये कौन से अमेंडमेंट से 11वां फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया है। मैंने ऑलरेडी ट्रिक बनाया हुआ है सारे फंडामेंटल ड्यूटीज को याद करने का, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। द 45th अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू माइनॉरिटीज कमीशन, कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एंड नन ऑफ द अबव। आंसर है एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट दिया हुआ है और अमेंडमेंट किस लिए हुआ था? 52nd अमेंडमेंट एक्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये तो सही है। एंटी डिफेक्शन लॉ किसके थ्रू इंक्लूड किया गया? थ्रू 52nd अमेंडमेंट एक्ट। स्टेटहुड फॉर गोवा थ्रू 56th अमेंडमेंट एक्ट, ये भी करेक्ट है। एमरजेंसी इन पंजाब, ये भी रिलेटेड है 59th अमेंडमेंट एक्ट से, तो सही है। 62nd में क्या दिया हुआ? रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स इन सर्विसेज, ये रॉन्ग है। 62nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया था इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में उनके सीट का जो रिजर्वेशन होता है, और एंग्लो इंडियंस के सीट का जो रिजर्वेशन होता है लोकसभा में, उसको 10 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया था, उसके लिए ये अमेंडमेंट आया लाया गया था। तो ये गलत है, तो आंसर होगा 1, 2 एंड 3 आर करेक्टली मैच्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कुछ चीजें तो केवल पार्लियामेंट में दोनों हाउस मिलकर के डिसाइड कर लेते हैं कि इसको अमेंड करना है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसके लिए हाफ ऑफ द स्टेट्स की मंजूरी भी जरूरी है। वो कौन सी चीजें हैं? तो जो भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी वजह से फेडरल फीचर्स पे कोई असर पड़ता है, उसमें स्टेट का रेटिफिकेशन जरूरी होता है, कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट्स का। तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप देखिए तो स्टेट भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऑब्वियसली ये फेडरल फीचर है एक तरह का, तो इसमें स्टेट की
मंजूरी जरूरी होगी लगभग हाफ ऑफ द स्टेट्स की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, स्टेट्स की कितनी सीट्स होगी अगर उसको पार्लियामेंट अपने मन से घटाने बढ़ाने लगेगी, तो वो भी फेडरल फीचर के अगेंस्ट जाता है। इसके भी अमेंडमेंट के लिए स्टेट्स के रेटिफिकेशन की जरूरत है। एनी ऑफ द लिस्ट इन सेवेंथ शेड्यूल, सेवेंथ शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? यूनियन और स्टेट के बीच में जो पावर का डिवीजन है उसके बारे में दिया गया है, तो इसमें भी कोई अमेंडमेंट हो तो रेटिफिकेशन की जरूरत होगी हाफ ऑफ द स्टेट्स की। एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ द स्टेट, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट को अगर रिमूव करना हो तो ये तो सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके लिए रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो आंसर होगा 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट मेक्स द राइट टू एजुकेशन द फंडामेंटल राइट टू ऑल द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय इंसर्टिंग आर्टिकल 21A टू द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके थ्रू इंक्लूड किया गया था राइट टू एजुकेशन को? थ्रू 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। इस अमेंडमेंट के थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि कुछ चीजें बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था। साथ ही साथ इसी अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज में भी कुछ ऐड किया गया, तो आपके क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पे मिल जाता है। तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अगर उनको ध्यान से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन का आंसर वहां से निकल सकता है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी पूछे गए हो तो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कंपाइलेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां पे आपको 1976 से लेकर के 2018-19 तक के सारे क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे सॉल्व किए हुए। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स विद देयर रेफरेंसेस, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बताइएगा आप मुझे। 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 ये किससे रिलेटेड है? लेट्स सी, इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। थ्रू 102nd अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था बैकवर्ड क्लासेस के कमीशन को। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था ओबीसी रिजर्वेशन पे, उसमें हमने 102nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात की थी। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए जरूर इसको कवर कर लीजिएगा। फिर 101st अमेंडमेंट एक्ट 2017 ये तो गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट के लिए लाया गया था, बहुत ही आसान है याद करना। 101 रुपया अक्सर हम लोग देते हैं किसी को, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है 101st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था। 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 में 103rd अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये किसके लिए आया था? दो ऑप्शन हमारे पास रह गए हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन और 10% रिजर्वेशन। ये तो नहीं होगा, तो है आंसर 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। EWS के लिए जो 10% रिजर्वेशन लाया गया था वो 103rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था। 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को एस्टैब्लिश करने के लिए लाया गया था। So the answer will be A3, B1, C4, D2. Finally, which Constitutional Amendment Act provided reservation in admissions in private unaided educational institutions for students belonging to scheduled caste, tribes and other backward classes? कौन सा Constitutional Amendment Act था जिसके थ्रू रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया admissions में? 93rd Constitutional Amendment Act आया 2005 में। तो ये थे कुछ important previous year के questions as well as current affairs के question on Constitutional Amendment। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए कवर करूँ। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को लेना चाहते हैं तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ये UPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है फ्रॉम 1976 टू 2019। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप UPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो स्टेट एग्जाम्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। साथ ही साथ CDS, CA, PF, NDA वगैरह के एग्जाम में भी क्वेश्चंस UPSC के एग्जाम से पिक किए जाते हैं, क्योंकि UPSC ही इन सब का भी क्वेश्चन सेट करती है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।